सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आपने थंबनेल देख के गेस कर लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में इस वीडियो को बना रहे हैं। तो भाई, हमारे पास है यहाँ पे एक छोटा सा सब वूफर एंड स्पीकर। एंड ये अगर हमारे घर पे कोई फंक्शन है या फिर ऐसी कहीं हम पार्टी में हैं, अगर ये मिस होता है तो भाई वो थोड़ी सी अधूरी लगती है हमारी फंक्शन या फिर पार्टी जो होती है। तो आज है हमारे पास भाई यूबॉन की तरफ से एक ऐसा स्पीकर जो कि आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, जो कि आपको दोस्तों बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा। एंड दोस्तों, इसकी दोस्तों जो स्पेक्स हैं वो सब दोस्तों आपको मैं क्लियरली बता दूंगा अभी वीडियो के लास्ट में। तो एकदम विदाउट वरी लिए आप आराम से इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। चलिए, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों अपर केस इसका मैं इस तरीके से निकालता हूँ। एंड भाई, हमारा ये जो स्पीकर है कुछ पहले ही मिल जाता है इसमें, तो ये कुछ पॉलीथीन में भी रैप्ड है। एंड बाकी आप देख सकते हैं कि इन साइड में आपको कुछ और भी सारी चीज़ें होती हैं जो मैनुअल एंड इसके दोस्तों जो केबल वगैरह होते हैं वो सब अभी आपको मैं क्लियरली बता दूँ। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, एंड आपको अगर ये भी परचेज करना है तो ये कैसा रहेगा आपके लिए, वो सब दोस्तों जानेंगे वीडियो के लास्ट तक। तो भाई, इस ये जो यूबॉन है इसके ब्रांड एम्बेसडर आप देख सकते हैं कि टाइगर शार्क है। एंड इनका हर जगह पे लेवल लगा रखा हुआ है जैसा कि, एंड इसका दोस्तों एक बढ़िया स्लोगन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइफ में लाए म्यूजिक, म्यूजिक में लाए लाइफ। ये इस तरीके से जब ऑन होता है तो अभी मैं आपको सुनाऊँगा। तो चलिए, इसको साइड में करते हैं। बाकी सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ गाइडलाइंस है, एंड इसको साइड में करते हैं। वही एक ये दोस्तों कार्ड है आप देख सकते हैं कि इधर विशिंग कार्ड आप देख सकते हैं। बाकी इनका जो मार्केट है एंड क्या क्या प्रोडक्ट से बनाते हैं ये रहा, चलिए इसको भी साइड में करते हैं। एंड बात करते हैं दोस्तों हम इम्पॉर्टेंट की। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक केस मिलती है पॉलीथीन वाली, एंड इसमें मेटल की ग्रिल मिल जाती है एकदम। ये जो अपर साइड आप देख रहे हैं ब्लैक में, ये दोस्तों मेटल की है जहाँ पे आपको ये यूबॉन का दोस्तों स्टिकर लगा हुआ है। एंड इधर साइड बात करें दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप अपने हिसाब से मोड चेंज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन के लिए। एंड इसमें दोस्तों एक अच्छा फीचर है कि आपको इनबिल्ट माइक मिलता है, यानी कि आप अगर इससे कॉल रिसीव करते हो तो इसमें ऑलरेडी आपको मिलता है एक माइक। इसके हेल्प से दोस्तों यहाँ पे ये कैप्चर करके इधर ही से ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि फ़ोन से वो करने की ज़रूरत नहीं। पोर्ट की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि ऑफ ऑन का है, बाकी यहाँ पे ऑक्स का है, एक टीएफ कार्ड का है दोस्तों, यूएसबी यानी कि पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव आप वो कर सकते हो, एंड यहाँ पे एक चार्जिंग वाला पोर्ट, यानी कि आपको हर एक चीज़ मिलेगी दोस्तों जो आपको यहाँ पे इनपुट दे सकती है इसको, यानी कि ऑक्स से, यानी कि फ़ोन लैपटॉप हो गया कुछ भी हो गया उससे हो सकता है टीएफ, एंड ये सारी चीज़ें आपने देखी ली। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से इसके पोर्ट्स एंड बटन हुए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बैक साइड में एक और भी लेवल लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि जिस पे लिखा हुआ है कि वायरलेस स्पीकर एंड पावर आउटपुट, यानी कि 5 वाट के दोस्तों यहाँ पे डुअल स्पीकर्स लगे हुए हैं। बाकी 2 सब वूफर्स लगे हुए हैं, वो सब दोस्तों हम यहाँ पे अभी टेस्टिंग करने वाले हैं उन सभी चीज़ों की। बाकी 60 डेसिबल से दोस्तों इसका नॉइज रेशियो ज़्यादा है, एंड ये फ्रिक्वेंसी रेंज आप देख सकते हैं कि 302 से 435 kHz तक है। ठीक, तो वो सब अभी क्लियर हो जाएगा जब हम इसमें कोई वो प्ले करेंगे। तो चलिए दोस्तों, और भी इसके सारे स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 आवर्स बैटरी बैकअप। यूबॉन आप देख सकते हैं कि बॉन्ड टू बी फ्री लिखा हुआ है। इसका मॉडल है दोस्तों SP70। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको FM, ऑक्स, स्टीरियो इफेक्ट, बिल्ट इन बैटरी, मेटेलिक नेट, डबल स्पीकर, उसके बाद यहाँ पे आपको USB, TF कार्ड और इन बिल्ट माइक, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है मैंने। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में आपको कुछ इस तरीके की दोस्तों डिज़ाइनिंग मिलती है। और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायरलेस कनेक्शन, 10 मीटर का दोस्तों वायरलेस ट्रांजिशन रेंज, एंड यहाँ पे मूवी म्यूजिक मोड में ऑडियो नॉइज़ जैसे कि बताया कि 60 डेसिबल से दोस्तों ज़्यादा है 3.5 mm आप वो कर सकते हो। बाकी 45 mm के दोस्तों 2 यहाँ पे स्पीकर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, एंड उनकी दोस्तों पावर की हमने बात कर ली तो वो 5 वाट के हैं। ठीक, और लाउड स्पीकर की दोस्तों यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 80 Hz से 180 Hz तक है। ठीक, तो ये हो गया भाई आउट ऑफ द बॉक्स। अब हम यहाँ पे दोस्तों इन रियलिटी में चेक करते हैं कि भाई ये कितना ज़्यादा सफिशियंट रहता है आपके लिए।
तो यहाँ से कोई, चलिए सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं इस लैपटॉप से एंड उसके बाद फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो गाइस अभी के लिए हमने यहाँ पे इस स्पीकर को यहाँ पे इस लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया हुआ है। बाकी अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ एंड नॉर्मल वाइज अभी हमने यहाँ पे 50% रखा हुआ है इसका। चलिए प्ले करता हूँ और फिर आप दोस्तों इसका आउटपुट देखिएगा किस तरीके का है, क्योंकि दोस्तों इसमें सब ऑफर्स भी लगे हुए हैं एंड यहाँ पे बेस बूस्टेड दोस्तों सॉन्ग भी प्ले होने वाला है। तो उसका मिक्सअप क्या होने वाला है वो सब अभी पता चल जाएगा। मजा नहीं आ रहा है, मुझे भी पता था आप यही कहोगे। तो चलिए अब यहाँ पे पूरा 100% यहाँ पे दोस्तों करता हूँ वॉल्यूम एंड फिर आप दोस्तों इसका आउटपुट देखिएगा। यहाँ से दोस्तों अब मैं करता हूँ इसका वॉल्यूम एकदम तकरीबन 87 के अराउंड। अब यहाँ पे दोस्तों प्ले करता हूँ मैं साउंड। आई होप यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा होगा, क्योंकि दोस्तों इसकी बेस क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा वर्दी है। अब मुझे नहीं पता कि आपको माइक में कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो तो वीडियो एडिटिंग करते समय ही पता चलेगा, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा इसकी कूल एंड एकदम परफेक्ट वॉइस यहाँ से निकलती है, क्योंकि दोस्तों इसमें अलग से सब वूफर्स दिए हुए हैं एंड ऑलरेडी आपको दोस्तों यहाँ पे दो 5-5 वाट के दोस्तों यहाँ पे दो आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि दोस्तों सब वूफर्स का काम जो है वो अलग रहता है एंड बाकी जो स्पीकर यानी कि वॉइस की क्लैरिटी होती है वो अलग से निकलती है। अब यहाँ पे दोस्तों मे भी मुझे कॉपीराइट क्लैम ना मिल जाए, क्योंकि दोस्तों अभी मैं कुछ और भी दोस्तों यहाँ पे आपको सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आप तो ये बहुत ही रेयर केस में ये सब सुनेंगे दोस्तों वो जिसमें दोस्तों टोन हो। तो अभी तक तो हुई थी दोस्तों नॉर्मल टेस्टिंग। अगर आप कुछ ऐसे प्लेयर हो जो कि ये वाले सॉन्ग्स दोस्तों प्रीफर करते हो साउंड में, तो थोड़ा सा इस पर भी हो जाए, बस कॉपीराइट ना मिले मुझे। तो चलिए थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे फील करवा देता हूँ उस सॉन्ग से, उस टाइप के सॉन्ग से। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हुआ है एंड यहाँ पे प्ले करता हूँ। आप गेस करके कॉमेंट में बताइएगा कि कौन सा गाना ये है। तो अभी के लिए दोस्तों वॉल्यूम को रखता हूँ मैं एकदम 100% पे ही, क्योंकि बस थोड़ी देर के लिए दोस्तों यहाँ पे अराउंड 4-5 सेकंड्स के लिए दोस्तों बस प्ले करने वाला हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि 100% पे वॉल्यूम कर लिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे प्ले करता हूँ। भाई सारे सॉन्ग्स इसमें एकदम वेल प्लेड होते हैं। आप कोई सा भी दोस्तों नॉर्मल अगर आप प्ले करते हो या फिर दोस्तों आप कोई बेस बूस्टेड जिसमें दोस्तों थोड़ी सी दोस्तों बेस हो आप उसको प्ले करते हैं, भाई एकदम परफेक्टली ये ऑर्गेनाइज करके आराम से दोस्तों आउटपुट देता है बढ़िया, जो एकदम वाइब जो फील हो आपको ताकि एकदम रियलिस्टिक लगे, ठीक वो बढ़िया है। तो अगर आपको एक मिड रेंज में अच्छा सा स्पीकर चाहिए तो आप इस यूबॉन के मॉडल को दोस्तों आराम से देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एंड दोस्तों फाइनली इसके प्राइस की बात करूं तो दोस्तों मैंने इसको लिया था ऑफलाइन मार्केट में जाके एंड वहां पे दोस्तों ये मुझको मिला था 800 रुपीज़ का, ठीक। तो अगर आपको इस प्राइस रेंज में कहीं मिलता है तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आप चेक वगैरह कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों इसकी बैटरी बैकअप को लेकर मैं आपको बता दूँ तो जैसा कि ये मेंशन करता है कि 4 घंटे का बैकअप है, लेकिन अगर आप दोस्तों अगर नॉर्मल वॉइस पे करके अगर आप इसमें म्यूजिक प्ले करते हो कोई सा भी तो आपको दोस्तों यहाँ पे 5-6 घंटे, मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस दोस्तों बता रहा हूँ आपको, तो ये आप दोस्तों चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। और मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सा अभी सॉन्ग प्ले हो रहा था तो आप उसको मिस मत करिएगा। बाकी आपने अगर कोई और भी लिया हुआ है स्पीकर तो आप दोस्तों वो दे सकते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।